తుణిదల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను यह है राजनीति की दुनिया का नया सितारा पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर होगी इनकी नई पहचान। तुणिदल पवन कल्याण अने नेनु शासनम द्वारा निर्मितमैन भारत राज्यांगम पट्ल पवन कल्याण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि पॉलिटिक्स में भी पवन ने अपनी पावर दिखाकर हर किसी को चौंका दिया है। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है, हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिज्ञासा है उसका प्रतिबिंब है। चौबीस के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी जब सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक कर रहे थे तो पवन कल्याण का परिचय उन्होंने आंधी से बता कर दिया था। ये पवन नहीं, ये आंधी है। और ये विशेषण इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि पवन कल्याण ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ आंध्र प्रदेश के चुनावों में जीत दर्ज की है। जनसेना प्रमुख ही वो कड़ी थे जिसने बीजेपी और टीडीपी को आंध्र प्रदेश में साथ लाया और उसके बाद जनसेना टीडीपी और बीजेपी के अलायंस ने वाईएसआरसीपी का सुपड़ा साफ कर दिया। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी और सभी 21 की 21 सीटें जीत ली। पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो दोनों सीटें भी जीत ली। पवन कल्याण की शानदार जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर भी मिला था, लेकिन मौजूदा तस्वीर ये है कि पवन कल्याण ने केंद्र की जगह राज्य की राजनीति को चुना है। यहाँ वो शपथ ले चुके हैं और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। नेनु तुणिदल पवन कल्याण अने नेनु आंध्र की नई सरकार के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। पवन कल्याण शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। मोदी ने पीठ थपथपाकर पवन का हौसला बढ़ाया और इसके बाद पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं और फिर एक एक करके मंच पर मौजूद तमाम मेहमानों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे और इसके बाद वो दिलचस्प तस्वीर सामने आती है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मंच पर पवन कल्याण के बड़े भाई और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी मौजूद थे। पवन कल्याण पीछे आते हैं और अपने बड़े भाई को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। चिरंजीवी उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और टफ रोल करने वाले चिरंजीवी भाई के प्रणाम पर भावुक हो जाते हैं।